ओके सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और नया वीडियो एडिटिंग वीडियो को लेकर। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना। ओके सो बिटमार एंड सेकफेट को भी इंपोर्ट कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके सो वीडियो एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप दो फोन की जरूरत पड़ेगी आपको, एक है विंटरलैंड, दूसरा है iOS। तो आपको चेक कर लेना, ऑल मटेरियल्स वाले फाइल में मिल जाएगा। ऑल मटेरियल्स फाइल जो है वो आपको सेकफेट के नीचे देख लेना, वहाँ पर लिखा होगा फोन एंड म्यूजिक ऑल मटेरियल्स ऐसे करके लिखा होगा, उसी में लिंक है, तो जाके चेकआउट कर लेना। अब इस बार से फोन इंपोर्ट कर लेना, आई होप कि आपको फोन इंपोर्ट करना आता ही होगा। बाकी इधर आपको फोटो एड करना है, फोटो एड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है। ओके, जो ग्रुप के पास 11:24 सेकंड पे प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। जो भी फोल्डर में आपका फोटो है ना, आपको सिंपली अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस, मेरे को ना कोई इमेजेस नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि कोई भी इमेज यूज कर लेता हूँ, जो कि रैंडम इमेज है, जिसमें कि किसी एक पर्सन का इमेज नहीं है, यहाँ पे अल टाइप का इमेज है। तो इसी मैंने सोचा इसी से वीडियो बना लेता हूँ। तो गाइस, आपको फोटो एड करना है, ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करना है, एक बार यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है, दूसरा फोटो को एड करना है, ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। अगर आप ध्यान देना, अगर आगे आपको डबल बीट मार्क दिख रहा है ना, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आपको दो बार इस वाले एरो पे क्लिक करना है, फिर जाके ट्रिम करना है, ताकि जो बीट मार्क मतलब जो डबल बीट मार्क रहता है ना एक जगह पे, उसके जो बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, उसमें फोटो एड ना हो हमारा। इसलिए आपको ध्यान देना, जहाँ पे आगे डबल बीट मार्क रहेगा वहाँ पे आपको एरो पे सिर्फ दो बार क्लिक कर देना है। ओके, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे है ना, तो दोबारा क्लिक कर देंगे, यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। तो गाइस, इसी प्रकार से आपको लास्ट तक सही फोटो को एड कर लेना है। तो गाइस, जल्दी जल्दी सही फोटो को आप एड कर लो और मैं भी अपनी फोटो को एड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ओके सो इस प्रकार से आपको ना फोटो लास्ट। ओके गाइस, जो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फोटो एड कर लेने के बाद अब सिंपली यहाँ से बैक आना है। ओके तो यहाँ पे देखो सेक इफेक्ट इस प्रकार से है, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे कौन सा इफेक्ट पेस्ट करना है, बिकॉज मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लग के नहीं रखा है कि यहाँ पे आपको इफेक्ट पेस्ट करना है। तो चार इफेक्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा इफेक्ट कहाँ पे पेस्ट करना है। सबसे पहले बैक आके आपको सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है, और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद पहले वाले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, और यहाँ से बैक आके बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो सेक इफेक्ट जो पहला वाला सेक इफेक्ट है, इसको सिर्फ हम वहीं पर पेस्ट करेंगे जहां पे डबल फोटो सिंगल बीट मार्क के बाद आ रहा है, जैसे कि यहां पे आप लोग देख सकते हो। ओके तो यहां पे एक फोटो ये है सिंगल बीट मार्क के बाद, और दूसरा फोटो ये है। तो जो पहला वाला फोटो रहेगा ना, सिंगल बीट मार्क वाला पहला वाला फोटो रहेगा, उस पर सिंपली आपको क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। ओके तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे लगता है डबल फोटो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे हम सिंपली पेस्ट कर देंगे इस वाले फोटो में, पहला वाले फोटो में बीट मार्क, जो सिंगल बीट मार्क वाला पहला वाला फोटो है, ये डबल बीट मार्क है, इस बात ध्यान रखना। तो सिंगल बीट मार्क यहाँ पे लगातार दो फोटो है ना, तो ये जो पहला वाला फोटो रहेगा तो उसमें आपको इफेक्ट को पेस्ट करना है। ओके फिर आगे जाना है, तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे लगातार दो नहीं है, तो यहाँ पे हम पेस्ट नहीं करेंगे, और यहाँ पे फिर दो है ना लगातार दो सिंगल बीट मार्क, तो हम पहले वाले सिंगल बिटमार वाले पे इमेज पे इफेक्ट को पेस्ट करेंगे। ओके एंड फिर से आगे जाएंगे, यहाँ पे फिर से है। ओके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे पहले वाले पे 23 सेकंड पे, एंड फिर से आगे जाएंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ देंगे, एंड यहाँ पर है तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, जो कि हमारा है 31 सेकंड पे। ओके फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे, एंड सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, एंड जो सेकंड नंबर का इफेक्ट है यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब गाइस देखो, सेकंड नंबर का जो इफेक्ट है ना, इसको हमें कहाँ पे पेस्ट करना है ये मैं आपको शॉर्ट कट जल्दी बता देता हूँ। तो सिंपली आपको आगे जाना है, और जो भी फोटो अब सिंगल बीट मारला बचा हुआ है ना, सिंपली आपको उसमें पेस्ट करना है। ओके जहाँ जहाँ पे सिंगल बीट मारला फोटो है ना, उसमें आपको सिंपली पेस्ट करना है। तो जैसे कि आप लोग देखते हो, ये भी हमारा सिंगल बीट मारला ही है, तो इसमें हम पेस्ट करेंगे। तो सिंगल बीट मार्क मतलब क्या है, पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ। ओके तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारा जो सिंगल बिट मार्क है। ओके और इसके जो नीचे है इमेज, ये वाला सिंगल बिट मार्क के बाद आ रहा है, इसका मतलब यही है। ओके तो यहाँ पे जो भी सिंगल बिट मार्क के बाद आ रहा है जिसमें इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो सिंपली उन सभी फोटोज को हम सिलेक्ट कर करके इफेक्ट को पेस्ट करेंगे। ओके तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा हो। ओके
तो गाइस यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, इस पर से आपको पेस्ट कर देना और लास्ट वाला फोटो में भी ये इफेक्ट पेस्ट होगा। अब यहाँ से बैक आना है एंड सेकंड इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पे आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा जो कि ये चार नंबर आप लोग दे सकते हो। तो आपको सॉरी गाइस 3 नंबर का इफेक्ट को कॉपी करना है, 4 नंबर को छोड़ देना है फिलहाल, और 3 नंबर का इफेक्ट कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और इसमें भी आपको वही पेस्ट उसी हिसाब से पेस्ट करना है जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि कहीं कहीं पे जो है ना, जैसे जहाँ पे डबल फोटो आ रहा है सिंगल बिटमार्क के बाद, जैसे कि लगता है डबल मतलब दो सिंगल बिटमार्क आ रहा है, उसके बाद वाला जो डबल बिटमार्क है ना, सिंपली आपको उसी में पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे डबल सिंगल बिटमार्क था, ओके, तो यहाँ पे लगातार दो सिंगल बिट मार्क है, उसके बाद जो डबल बिट मार्क आ रहा है उसी में हम सिंपली इस वाला इफेक्ट को पेस्ट करेंगे जो कि 3 नंबर का इफेक्ट है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना डबल बिट मतलब दो लगातार दो को सिंगल बिट मार्क नहीं है और ये डबल बिट मार्क आ रहा है, तो यहाँ पे हम पेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखते हो लगातार दो सिंगल बिट मार्क है, उसके बाद जो डबल बिट मार्क है इसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो यही मतलब है मेरा। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर से यहाँ पे डबल बिट मार्क है, सॉरी गाइस मतलब सिंगल बिट मार्क लगातार दो बार है, तो हम आगे वाला डबल बिट मार्क पे इस वाले इफेक्ट को पेस्ट करेंगे। ओके, और फिर से आगे जाएंगे और यहाँ पे जैसे आप लोग देखते हो यहाँ पे सिंगल बिट मार्क है, तो यहाँ पे डबल बिट मार्क पेस्ट नहीं करेंगे। ओके, और यहाँ पे सिंगल बिट मार्क लास्ट इमेज खत्म हो गया है, फिर यहाँ से बैक आएंगे, सेकंड इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करके हम 4 नंबर का इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी करने के बाद फिर बैक आएंगे, बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे आगे चले जाएंगे, और आगे जाने के बाद जो हमारा फोटो है जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लगा है, जस्ट आपको उस फोटो को सिलेक्ट करके इफेक्ट को पेस्ट करना होगा। ओके, आपको सिलेक्ट करके देखना है, सिलेक्ट करके कि मतलब फोटो में इफेक्ट लगा या नहीं लगा है, तो जो भी फोटो बचा हुआ है ना सिंपली आपको उसमें पेस्ट कर देना है। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे पेस्ट में पेस्ट कर दिया। ओके, तो जो फोटो बचा हुआ है ना सिंपली आपको उसी में पेस्ट करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 2 या 3 इमेज ही बचा हुआ है, ज़्यादा इमेज नहीं है, तो इसी में आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। ओके, पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक आना है, सेकंड फेयर प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओके, सेकंड फेयर प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर का चार जो लेयर है इसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है और इन चारों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे कॉपी फोर लेयर करना है, फिर बैक आना है, बिट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और शुरू में ही आपको यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना है, फिर आपको स्लाइड करके लास्ट में चले आना है और इन चारों लेयर को फिर से सिलेक्ट करना है उसी प्रकार से लॉन्ग प्रेस करके, और इस वाले आइकन पे क्लिक कर इसका जो लेंथ है लास्ट तक लेके आ जाना है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी वीडियो को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आपको ऊपर शेयर के आइकन पर क्लिक करना है, अपनी वीडियो को यहाँ पे सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।